नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम आपको बता दें कि ICDS विभाग की तरफ से लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है, तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और कैसे क्या करना है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको लेटर दिख रहा होगा, बिहार सरकार समाकेशित बाल विकास ICDS की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। यहीं आपको दिनांक दिख रहा होगा 20/4/2022 को ये लेटर जारी हुआ है। इसका प्रेषक निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। सेवा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी 31 जिलों के लिए जो है कि लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है, उसमें इस कार्यक्रम को किया जाएगा, जिन जिला का नाम दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं कि किन किन जिलों को जो है कि इसमें रखा गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको जिला दिख रहा होगा कि औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद जो है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, ऐसे करके भोजपुर, इस तरह से करके इन जिलों के लिए ये जो है कि लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। इन जिलों में जो है कि कितने जिले आते हैं, तो इसमें जो है कि 31 जिलों के लिए जो है कि लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। तो आइए इसको विषय को देखते हैं, इस विषय में ही जो है कि क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय कृमि दिवस 22 अप्रैल 2022 को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति 100% कराने एवं प्रथम सत्र में दवा पिलाने में सहयोग के संबंध में, यानी ये बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को इसको चलाया जाएगा और जो है कि नए सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें 100% बच्चों की उपस्थिति करना है, जिसमें दवा को पिलाया जाएगा और जो है कि और काम किया जाएगा। तो इन 31 जिलों में जो है कि इस काम को किया जाएगा, जिन जिलों को दिया गया है इसमें। और हम ये भी बता दें आपको कि इसकी जानकारी आपको व्हाट्सअप नंबर पे जो है, आपका जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर इसकी जानकारी भेज दी गई है। तो जिन जिलों के लिए लेटर जारी हुआ है उन्हीं जिलों में ये किया जाएगा, बाकी के जिलों में जो है कि नहीं किया जाएगा कार्यक्रम। यहीं आगे आपको दिख रहा होगा नीचे की अतः उक्त के अवलोकन में निर्देश है कि आगामी राष्ट्रीय कृमि दिवस के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहयोग से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की सभी पंजीकृत बच्चों तथा विद्यालय में आने वाले 6 से 19 साल के बच्चों तक को जो है कि ये दवा पिलाया जाएगा और जो है कि ये किया जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो बिहार राज्य से खबर निकल कर आ रही है, जो 22 तारीख को एक कृमि दिवस मनाया जाएगा उसमें 100% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य बहनों तक भी ये खबर पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।